Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. So today we are going to study the chapter 5, Separation of Substances. So in this chapter we are going to study that how we can separate one substance from another. Okay? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम एक सब्सटेंसेस को दूसरे सब्सटेंसेस से अलग करते हैं. सो स्टूडेंट्स, एवरी डे वी सेपरेट वेरियस सब्सटेंसेस, इजंट इट? तो हम हर रोज न जाने कितने ही सब्सटेंसेस को उनके मिक्सचर से सेपरेट करते हैं. तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. तो चलिए उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि आप सुबह उठते होंगे और अपने मम्मी या फिर अपने पापा को देखते होंगे कि वो चाय बना रहे हैं, और जब चाय बनाना ख़त्म हो जाता है तो वो उस यहाँ पे स्ट्रेनर की मदद से चाय को कप में पोर करते हैं, कप में डालते हैं और टी लीव से टी को सेपरेट करते हैं. तो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज टी इज़ अ यूजफुल कंपोनेंट, ओके, जो हम लोग पीते हैं, एंड टी लीव्स आर नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स जो हम लोग नहीं खाते हैं. तो इसीलिए स्ट्रेनर की मदद से हम लोग टी को टी लीव से अलग कर देते हैं, सेपरेट करते हैं. तो ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल वेयर द टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जांपल. हियर यू कैन सी हियर द बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड्स. तो ये जो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कर्ड या फिर मिल्क को अच्छे से चर्न किया जा रहा है, मतलब बहुत अच्छे से स्टर किया जा रहा है, हिलाया जा रहा है. अगर हम लोग हिलाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को दो यूज़फुल कंपोनेंट्स मिलेंगे, दो या फिर बोल सकते हैं दो यूज़फुल सब्सटेंसेस मिलेंगे. जैसे कि द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी हियर द ग्लास पोरिंग इन टू लस्सी, तो लस्सी मिलेगा. द सेकेंड क्या मिलेगा हम लोग को, मक्खन मिलेगा, मतलब बटर मिलेगा. तो यहाँ पे वहाँ पे जैसे जब फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने जैसे देखा कि एक यूज़फुल सब्सटेंस कंपोनेंट्स था और एक नॉन यूज़फुल कंपोनेंट था, लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर इसको सेपरेट करेंगे, ये जो प्रोसेस से सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को दोनों ही यूज़फुल कंपोनेंट्स मिलेंगे. ओके, सो वी कैन गेट टू यूज़फुल कंपोनेंट्स हियर. सो व्हाट वी कैन गेट, वी यूज़ बोथ लस्सी एंड बटर. ओके, तो हियर इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल वेयर बटर इज़ टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ मूविंग होम टू द थर्ड एग्जाम्पल. ओके, द थर्ड एग्जाम्पल इज ग्रेन्स. जो हम लोग जहाँ से हम लोग खेती होता है, जहाँ पे फसल उगाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो ग्रेन्स मिलते हैं हम लोग को, तो वहाँ पे भी एक सेपरेशन का एक प्रोसेस होता है, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि ये स्टॉक्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये हम लोग नहीं खा सकते हैं. ग्रेन्स मतलब गेहूँ को स्टॉक से सेपरेट करते हैं, गेहूँ हम लोग खाते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं. तो वीट ग्रेन्स, ओके, एंड वी फीड द स्टॉक्स टू द एनिमल्स, इट इज़ यूज्ड एज एनिमल फीड. तो ये हम लोग नहीं खाते, इंसान लोग नहीं खाते, ये हम लोग एनिमल्स को दे सकते हैं, वो लोग इसको खा लेते हैं. ठीक है, तो हियर इज द थर्ड एग्जाम्पल वेयर ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग. ओके, नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल विच वी ऑलरेडी स्टडी इन थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एक प्रोसेस पढ़ा था कॉटन गिनिंग का. वहाँ पे क्या होता है, वो प्रोसेस क्या है, आप सबको याद ही होगा, द प्रोसेस इन विच द कॉटन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स. तो ये भी एक सेपरेशन का मेथड हुआ, गिनिंग, कॉटन गिनिंग. यहाँ पे क्या सेपरेट किया जाता है, कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से सेपरेट किया जाता है. ओके, टू सेपरेट कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स. तो दिस इज द फोर्थ एग्जाम्पल. ओके, तो वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, क्यों हम लोग सेपरेट करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को, हम लोग तो यूज़ भी कर सकते हैं, क्यों हम लोग को सेपरेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है? तो वी सेपरेट सब्सटेंसेस बिकॉज टू सेपरेट द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर, लाइक सेपरेटिंग स्टोन्स, इंसेक्ट्स फ्रॉम पल्सेस और राइट्स. तो हम लोग क्यों करते हैं, फर्स्ट रीज़न क्या है क्यों करते हैं, अगर कोई मिक्सचर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि पल्सेस और राइस में अक्सर हम लोग को कुछ कीड़े भी मिलते हैं, क्योंकि स्टोर करके बहुत दिन तक रखा जाता है, फिर हम लोग के पास पहुंचाया जाता है. हाँ, कुछ स्टोन्स भी मिलते हैं, या फिर ग्रेन्स में कुछ स्टॉक्स भी हम लोग को एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो उनको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे तो हम लोग को वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, डिजीजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है. तो इसीलिए सेपरेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,
The second reason is to separate non-useful substances from a mixture. Like straining tea leaves from tea. तो सेकेंड रीज़न क्या है कि कोई भी नॉन यूजफुल सब्सटेंस जो हम लोग पहले जो एग्जाम्पल पढ़ा जहाँ पे चाय पत्ती को चाय से अलग किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर, ओके, जिसको हम लोग छन्नी भी बोलते हैं, तो उससे सेपरेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि चाय पत्ती तो हम लोग नहीं खाते हैं या फिर नहीं पीते, चाय पीते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो चाय पत्ती क्या है, नॉन यूजफुल सब्सटेंस है, और चाय क्या है, यूजफुल है, तो इसीलिए उन दोनों को सेपरेट किया जाता है, ओके। द थर्ड रीजन इज वी ऑल्सो सेपरेट टू यूजफुल कंपोनेंट्स इफ यू वांट टू यूज देम सेपरेटली, सेपरेटिंग लस्सी एंड बटर बाय चर्निंग कर्ड। तो और एक मेथड में क्या होता है, और एक रीजन क्या है कि हम लोग सेपरेशन इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को उस एक ही चीज से दोनों डिफरेंट यूजफुल चीजें मिले, जैसे कि वो जो कर्ड था, दही था, उसको अच्छे से स्टियर करेंगे, चर्न करेंगे, तो हम लोग को दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या मिलेंगी, एक तो मिलेगा लस्सी, दूसरा क्या मिलेगा, बटर मिलेगा, मक्खन मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग सेपरेट इसलिए करते हैं कभी कभी कि ताकि हम लोग को एक ही चीज़ों से दो यूजफुल चीज़ें मिल सके, ओके। और यहाँ पे एक टेबल है, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, यहाँ पे आपको अलग अलग बोला गया कि कौन सा सेपरेशन प्रोसेस है, व्हाट इज़ द सेपरेशन प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, किस लिए हम लोग सेपरेशन करते हैं, एंड व्हाट वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स, उसके बाद जो सेपरेट कंपोनेंट्स को हम लोग उसका क्या करते हैं, फेंक देते हैं या फिर यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं। तो फर्स्ट वन इज सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। तो पहला क्या है, हम लोग राइस मतलब चावल से स्टोन्स को अलग करना। व्हाई वी डू दिस बिकॉज टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कॉम्पोनेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दो डिफरेंट कॉम्पोनेंट को सेपरेट करते हैं, एक नॉन यूजफुल होता है, एक यूजफुल होता है, ओके। वी थ्रो अवे द सॉलिड कॉम्पोनेंट। तो हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, जो सॉलिड कंपोनेंट मतलब स्टोन्स जो है वो हम लोग फेंक देते हैं, राइस हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। चर्निंग द मिल्क, सेकंड, चर्निंग द मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो हम लोग मिल्क को चर्न क्यों करते हैं, बटर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को निकाल देते हैं, ठीक है, और वहाँ से बटर ले लेते हैं, एंड वी थ्रो अवे द इम्प्यूरिटीज़। और जो इम्प्यूरिटीज़ बचे हुए होते हैं मिल्क से, ये कर्ड से नहीं किया जाता है, मिल्क से हम लोग जब मटर निकालते हैं तो हम लोग इम्प्यूरिटीज़ को फेंक देते हैं, ठीक है, लेकिन कर्ड से हम लोग नहीं करते हैं, वो लस्सी और बटर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम लोग मिल्क से करेंगे तो बटर हम लोग ले लेते हैं, और जो यूज़फुल होता है, नॉन यूजफुल जो इम्प्यूरिटीज़ होता है, उनको हम लोग फेंक देते हैं। द थर्ड वन इज सेपरेटिंग टी लीव्स, मतलब हम लोग चाय की पत्ती से चाय का जो सेपरेशन कैसे करते हैं, तो रिमूव इम्प्यूरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। तो चाय पत्ती से चाय हम लोग जब निकाल लेते हैं तो हम लोग वहाँ पे इम्प्यूरिटीज को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव कर देते हैं, और वहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग यूज कर देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द reasons for which are telling us that why we should separate a substance, okay. So now we are going to study methods of separation. तो हम लोग अभी पढ़े कि yes, separation करना तो बहुत useful है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग कौन कौन से method से separation कर सकते हैं। The first one is hand picking, हाथ से कर सकते हैं। Threshing एक अलग एक process है। Winnowing is also a process. Fourth one is sieving. The fifth one is sedimentation, which is also known as decantation and filtration, okay? And the third, fourth one is evaporation. Here, students, evaporation का spelling क्या है? EVAPORATION होगा, ठीक है? आप यहाँ पे N add कर लीजिएगा, okay? तो evaporation, तो these are the methods of separation, okay? So, now we are going to study the first method, hand picking. तो hand picking क्या होता है? The simple process of separating slightly bigger sized harmful substances or other useful substances or impurities like small pieces of stones, husk and dirt from grains of wheat, pulses and rice is called hand picking. Okay, ये एक बहुत ही simple process है जहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे जो harmful substances है थोड़ा सा अगर बड़ा हुआ तो हम लोग easy से देख सकते हैं, तो इसीलिए वो जो हार्मफुल सब्सटेंस और अनयूजफुल सब्सटेंस या फिर इम्प्यूरिटीज़ जैसे कि स्टोन्स, पत्थर हो गया, हस्क मतलब भूसा हो गया, और ये डर्ट मतलब कुछ गंदा चीज़ अगर गिर गया, कहाँ पे गिरा, ग्रेन्स में अगर गिरा, व्हीट में, पल्सेस में, राइस में गिरा, तो हम लोग हाथ से ही उसको उठा के अलग कर सकते, तो यही प्रोसेस को बोलते हैं हैंड पिकिंग। इन सिचुएशंस व्हेन द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्यूरिटीज इज नॉट वेरी लार्ज, हैंड पिकिंग टर्न्स आउट टू बी अ टाइम सेविंग एंड कन्वीनियंट प्रोसीड्योर ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस।
हाँ, और यहाँ पे एक बात आपको ख्याल रखना है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का नहीं है, सोचो एक बोरा है, हम लोग को वहाँ कंप्लीट करना है कि उसको सेपरेट करना है, या फिर एक कटोरा है या फिर एक एक हंडी है तो उसको हम लोग को सेपरेट करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी होता है, टाइम सेविंग होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख सकते हैं कैसे ये लोग हाथ से उठा के चीज़ें अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस। द सेकेंड प्रोसेस इज threshing, okay? So what is the process threshing? After the crop is harvested, stalks are left to dry under the sun. A single stalk has some 100 pieces of grains, seeds joined to it. It is manually impossible to pluck each grain seed, which is very small in size, from the stalk, and hence hand picking as a matter of separation does not work here. तो क्या हुआ? Crop हुआ, crop जब harvest हो जाता है, crops को जब काट देते हैं तो जो स्टॉक्स मतलब ग्रेन से जो स्टॉक सेपरेट किया जाता है तो वो हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेपरेट करने के बाद ये जो स्टॉक्स को धूप में रखा दिया जाता है जहाँ पे वो ड्राई होते हैं, ठीक है। उसको सुखाया जाता है धूप में। क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि स्टॉक्स में और भी बहुत सारे ग्रेन्स मौजूद रहते हैं जो हैंड पिकिंग का जो मेथड है वो उससे मतलब वो ग्रेन्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। वो बहुत ही छोटे छोटे जो मैन्युअली हाथ से नहीं पॉसिबल होता है, तो इसीलिए एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग, ओके। दैट इज़ वाई वी यूज़ अ मेथड कॉल्ड थ्रेशिंग to separate these grain seeds, okay? So what is the process separating? Threshing can be defined as the process of separating the edible parts such as grain seeds from the stalk by either with the help of machines, bullocks or sometimes by beating them. तो क्या होता है, threshing एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वो जो स्टॉक्स है उनसे कुछ एडिबल पार्ट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये मशीन्स में भी हो सकता है, बुलक्स में भी हो सकता है, और कभी कभी वो जो हम लोग उसको बीट करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको मारना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कैसे कि मैनुअल थ्रेशिंग हो रहा है, हाथ से हो रहा है थ्रेशिंग, और कैसे यहाँ पे कंबाइन थ्रेशर मतलब एक मशीन से हो रहा है थ्रेशिंग, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग, ओके। So now the process winnowing. So even when threshing is done, husk or chaff is still attached to the grain seeds, and since the size of the two is quite similar, hand picking does not work and neither threshing. Hence a method called winnowing can be used. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, तो threshing के बाद भी कुछ वो stalks में भूसा शैफ इनका बहुत मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। ग्रेन सीड के साथ इनका बहुत मिक्सचर हो जाता है, उनमें छोटे छोटे ग्रेन सीड्स भी लगे हुए रहते हैं जिनको हाथ से या फिर थ्रेशिंग से भी निकालना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, विनोइंग यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो विनोइंग कैन बी डिफाइंड एज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क पार्टिकल्स एंड हैवियर ग्रेन सीड्स कंपोनेंट्स बाय ब्लोइंग अ करंट ऑफ एयर थ्रू देम। The lighter husk particles are carried away by the wind and the grain seeds get separated. This husk can be further used as a fodder for the cattle. तो विनोइंग का प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लेडी ऊपर ऐसे खड़ी हुई है, इसके हाथ में कुछ ग्रेन्स हैं, ठीक है, कुछ हस्क पार्टिकल्स हैं जहाँ और कुछ ग्रेन सीड्स भी उसमें लगे हुए हैं। तो लाइटर हस्क पार्टिकल्स क्या होता है, और जब ऐसे यहाँ पे सेपरेशन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे हवा दिया जाता है जहाँ पे ऐसे उसको पोर करके जेंटली उसको जॉक करके नीचे फेंकना है, तो वहाँ पे एक हवा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि विंड, यहाँ पे आप वहाँ पे विंड किया दिया जाता है, तो ये जो ग्रेन जो हम लोग फूड गुड फैट सीड जो फिड सीड हम लोग खा सकते हैं वो कहाँ पे आता है, कंटेनर में गिर जाता है। और जो शैफ और छोटे छोटे जो गंदे सीड्स होते हैं, बैड सीड्स होते हैं, या फिर शैफ मतलब जो भूसा हुआ या फिर कोई डर्ट हुआ, वो क्या होता है, हवा के, वो लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, तो वो क्या होता है, हवा की मदद से उड़ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं उड़ जा रहा है, और जो अच्छा सीड्स होता है वो ऐसे ही नीचे कंटेनर में गिर जाता है क्योंकि वो हैवी होता है थोड़ा उस भूसा से, वो लाइटर स्मॉल बैड सीड्स से। तो इसी प्रकार से इस प्रोसेस में इन दोनों को अलग किया जाता है, ठीक है। द फोर्थ प्रोसेस इज सीविंग। Sometimes even after the grain seeds have passed through the stages of threshing, winnowing, husk may still attach to the grain, or it may have collected stones and dirt in earlier stages which need to be removed, and this separation is usually done with the help of a sieve. Sieve means छन्नी। तो ये जो प्रोसेस है ये जब हम लोग
सोच लो उनका जो खेती फसल करते हैं उनका वो विनोइंग तक हो गया, ठीक है। तो सीविंग जनरली हम लोग घर वाले करते हैं, ताकि जब हम लोग का चावल आता है, ठीक है, तो एक बार आप देखे होंगे कि मम्मी और एक बार उसको अच्छे से छान लेती है। क्यों? क्योंकि मे भी उसमें सम थोड़ा बहुत भूसा या फिर थोड़ा बहुत डर्ट एंड ऑल स्टोन्स या फिर कुछ रह गया होगा, तो उनको अगर हम लोग इस सीविंग का जो प्रोसेस है छन्नी से अगर छानेंगे तो वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वो जो गंदे चीज़ हैं, मतलब जो हस्क हैं, छोटे छोटे डर्ट्स हैं, स्टोन्स हैं, वो गुड सीड्स अच्छे ग्रेन से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे सीविंग इज़ अ वेरी सिंपल कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग प्रोसेस थ्रू विच पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग साइजेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ सीव। तो सीविंग बहुत ही सिंपल साधारण सा कन्वीनियंट टाइम सेविंग प्रोसेस है, मतलब टाइम भी हम लोग का नहीं जाता है, बहुत अच्छा प्रोसेस है जिससे कि बहुत छोटे छोटे फाइनर चुप जितने भी धूल हैं वो सारे अलग हो जाते हैं। अ सीव नथिंग बट अ सिंपल डिवाइस विथ स्मॉल पोर्ट्स इन विच अलाउ फाइनल मटेरियल्स लाइक फ्लोर पास टू थ्रू लीविंग बिहाइंड एनी इम्प्योरिटीज इट माइन कंटेन। ओके, तो यहाँ पे आपको सीव का पिक्चर दिख गया, मतलब इसको जनरली हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, छन्नी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे, इसमें आटा भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही फाइनर पार्टिकल्स को भी निकाल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड पिक्चर है, यहाँ पे कुछ बिग स्टोन से छोटे छोटे स्टोन्स को अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी, ये यहाँ पे भी जो नेट एक यूज़ किया जाता है, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं सीव। ओके, सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास। जो रिमेनिंग पार्ट्स है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन डू ऑल द नोट्स इन योर फेयर कॉपी, लर्न ऑल द नोट्स एंड रीड द चैप्टर केयरफुली। ओके, तब तक आप जो जितने भी नोट्स हैं अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे और अच्छी तरीके से उनको पढ़ेंगे, याद करेंगे और चैप्टर को जितने तक पढ़ाया गया है उसको अच्छी तरीके से रीड करेंगे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me, okay? Thank you.